ये तो सड़ी हुई मूली है, ये जो बीजेपी ने रखी है, ये वासवानी का बेटा, ये सड़ी हुई मूली है, तो इस पर हमें थोड़ा रिएक्ट करना चाहिए। जो एक मिनट में जेल जा सकता है 6 महीने सीनियर सिटीजन एक्ट की खिलाफ वर्जी करने में, एक सीनियर सिटीजन उसका प्रेसिडेंट 8 लाख है सीनियर सिटीजन। कैदर नाटा था, शाबान गार्ड, अम कौसल, खौतन फकीर, कुंतर पांडा, कैदर गांधर बली स्त्री, ये दहशत का दौर 16 साल रहा। उसी डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये भी एक गोगा था, कैदर नाटा, इसका मरहूम, तो मैं नहीं ये कह सकता, मगर है ना ये बक्सी में, इसलिए ये अल्फाज मुझ पर लगाए हतो तवा है ना, ये शो करता है कि ये भी ट्राइबल सोसाइटी में ही पला है। देखिए उनकी पार्टी से पूछकर, उनकी पार्टी की हाईएस्ट कमेटी, मरकजी कमेटी, उनकी जो स्टेट के लीडर हैं, उनके उनकी वर्किंग कमेटी ने अगर उनको मीटिंग में डेमोक्रेटिक तरीके से इनको तैनात किया कि ये बयान मीडिया में दे दो, तो एक बात है। दूसरी बात है कि अगर ये अपनी लेवल पर कोई बन गया, मेरा कोई कठुआ में प्रेसिडेंट है, मेरा कोई कोपारे में प्रेसिडेंट है, मेरा कोई बारामूला में प्रेसिडेंट है या चुनाव वैली में, वो खुद बयान दे देगा, और अगर अगेंस्ट द पार्टी ट्रेड यूनियन इंटरेस्ट के खिलाफ हो, आई कैन सैक हिम नेक्स्ट डे, दूसरे दिन सैक करके मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि दिस डिसीजन स्टेट का हो, पब्लिक का हो, इट शुड बी अप्रूव्ड बाई द मरकजी बॉडी। अब इन्हें मरकजी अपनी बॉडी से पूछ कर या उनने इसको किया, ये मैं भी इस पर कुछ कबल इस वक्त कह नहीं सकता हूँ, मगर जो उनने कहा, अब ये दौड़े का जो बीजेपी पार्टी के जो ये नाम आपने बताया, क्या वानी साहब, ये मैं जानता हूँ, ये MLA था डोडा डिस्ट्रिक्ट में बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौर में, जब बख्शी गुलाम मोहम्मद ने गोगे पैदा किए थे, गोगराज था, जिसमें गोगराज में कश्मीर में कैदर नाटा था, शाबान गार्ड, अम कौसल, खौतन फकीर, कुंतर पांडा, कैदर गांधर बली स्त्री, ये दहशत का दौर 16 साल रहा। उसी दौर में बख्शी गुलाम अहमद ने के पीरियड में ये MLA इसका फादर साहब रसवानी साहब बने हैं, तो छतर छतरी अम्ब्रेला किसकी थी, गोगों की, तो दैट मीन्स डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये भी एक गोगा था, कैदर नाटा, इसका मरहूम, तो मैं नहीं ये कह सकता, मगर है ना ये बक्सी में। आप उनका ये सुपुत्र है ना, उसका एक बड़ा बेटी वो वानी साहब है, कादिर वानी मेरा दोस्त है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, हमने जनता दल में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ और रामानोल लोई के साथ इकट्ठे लड़ाई लड़ी, जलसों में इकट्ठे पार्टिसिपेट किया, वो उनके बड़े भाई है, तो वो तो एक संजीदा सुलझा हुआ आदमी, पॉलिटिकल थिंक वर्कर है, तो इसको तो मैंने शक्ल से देखा, पहले तो इसको बात करने की तमीज़ ही नहीं है, उम्र के लिहाज से मैं ही इज़ लाइक माई ग्रैंड सन, मेरी उम्र है 86 साल, तो लसवानी की उम्र 30-32 साल होगी। अब मुझे बताए, इसको बुजुर्ग को एड्रेस करता, इसने सीनियर सिटीजन एक्ट जो इंडिया में कानून बन गया, पार्लियामेंट ने पास किया, और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इस मनोज सिन्हा के वक्त इस एक्ट को लागू किया, सीनियर सिटीजन एक्ट है ना, उसमें सजा है 3 साल 2 साल 6 महीने, और उसका ट्रिब्यूनल होता है, डिप्टी कमिश्नर इज द चेयरमैन ऑफ द ट्रिब्यूनल, उस सीनियर सिटीजन जो एक्ट है वो मैंने खड़ा कर दिया, वो मैंने बिल पास करवाया असेंबली से, वो मैंने गवर्नमेंट से करवाया, और जो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई सीनियर सिटीजन है ना रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें जो नेशनल फोरम बनाया, उसमें सोशल वेलफेयर मिनिस्टर है, कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर है, और स्टेट पेंशनरों की तरफ मैं हूँ, संपत प्रकाश और रियाज साहब है, कश्मीर में निसार अली मीर और ये मोहम्मद अशरफ है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट बॉडिया है, एज अ सीनियर सिटीजन, तो लॉ पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 14, आई फॉट दिस बैटल फॉर 5 ईयर्स विद 2 गवर्नमेंट्स, उमर अब्दुल्ला के वक्त भी, आज़ाद के वक्त भी, और फिर मुफ्ती साहब के वक्त, उस वक्त उन्हें सीनियर सिटीजन एडवाइजरी काउंसिल बनाया, हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी उसका मेंबर, उसके सोशल वेलफेयर कमिश्नर मेंबर, सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट, और 5वां मेंबर मैं था, संपत प्रकाश ऑन बिहाफ ऑफ सीनियर सिटीजन ऑफ स्टेट, रजिस्टर्ड है, मैंने सारा मीटिंग 4-5 किए, कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एडवाइजर खुर्शीद गनाई था इसका,
ऑफिशियल मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकले हैं दैट आई रिप्रेजेंट द स्टेट पेंशन और सीनियर सिटीजन। मिनट्स ऑफ द मीटिंग साइंड बाय कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर। ये जो अभी ये चला गया ये हायर एजुकेशन का कमिश्नर का क्या नाम है ये जो ट्रांसफर हुआ कल परसों ये एजुकेशन का ये जो ट्रांसफर हो गया ना ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो अब दिल्ली जो भेजा गया रोहित कंसल ही वाज आल्सो कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफिशियली वो मुझे मीटिंग में बुलाते थे लेटर मिनट्स में लिखते थे द मीटिंग हैज बीन अटेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द सीनियर सिटीजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर संपत प्रकाश एज प्रेसिडेंट। इसने ये अल्फाज मुझ पर लगाए हतो तवा है ना ये शो करता है कि ये भी ट्राइबल सोसाइटी में ही पला है और ट्राइबल एटमॉस्फेयर में इसकी परवरिश हुई ट्राइबल इंस्टिंक्ट है इसको ट्राइबल वे ऑफ बिहेवियर है ट्राइबल मेथड ऑफ वर्क पॉलिटिकल है। अफसोस मुझे अफसोस आता है कि बीजेपी पार्टी को ये सोचना चाहिए जो ट्राइबल इंस्टिंक्ट ट्राइबल बिहेवियर ट्राइबल सोच और ट्राइबल वे ऑफ पॉलिटिकल वर्क ये इनकी पार्टी को भी बहुत डैमेज कर देगा तो ऐसे जानवरों से दूरी रहना चाहिए। फिर मैं इस बात पर मैं स्मॉल नहीं बनना चाहता हूँ कि इसमें केस करूँगा ये एक मिनट में जेल जा सकता है 6 महीने सीनियर सिटीजन एक्ट की खिलाफ वर्जी करने में एक सीनियर सिटीजन उसका प्रेसिडेंट 8 लाख है सीनियर सिटीजन 4 लाख तो है रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स एक्सेप्ट IAS ऑफिसर बाकी सब गैजेटेड क्लास ए ऑफिसर्स और 4 लाख है जिनको विडो पेंशन मिलता है और ओल्ड एज पेंशन 10 लाख 1 मिलियन पॉपुलेशन के प्रधान को इसने इंसल्ट किया ये हतो करके। तो इसको मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ट्रिब्यूनल में ही चिट्ठी लिखूँगा चेयरमैन और उसको कि इसको इसको केस किया जाए तो इसको सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो कानूनी सजा है वो मिलेगी इसको। इन्होंने कहा कि इन्होंने कश्मीर पंडित का नींद हराम किया क्योंकि वो सोते भी नहीं है जिस तरह संबल प्रकाश बयान देते हैं। तो कश्मीरी पंडितों की अगर नींद खराब हो गई वो सोते नहीं है वो तो डॉक्टरी रिपोर्ट लेनी चाहिए इनकी इनकी नींद तोड़ी है जी संपत प्रकाश ने तो कोई कानूनी जवाजत होना चाहिए। और आज कहाँ वो बन गया पंडितों का आज तक उसने पंडितों के बारे में बात नहीं की। मैं भी पंडितों का लीडर नहीं हूँ कम्युनिटी का नहीं हूँ क्लास का नहीं हूँ सब क्लास का नहीं हूँ मैं वर्किंग क्लास एनलाइटेंड सिटीजन्स सन्स ऑफ द सॉइल प्रोग्रेसिव सेकुलर और डेमोक्रेट ताकतों का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो ये कौन है फतवा देने वाला है? अब अगर जाति हो गई एक ही बात इसको मैं कहना चाहता हूँ 1968 आई वॉज डिटेन इन तिहार जेल फॉर 2 ईयर्स आई वॉज रिलीज इन मार्च 1970 2 साल के बाद एंड मैंने पहला फैसला किया सबसे बैकवर्ड एरिया जम्मू कश्मीर का डोडा डिस्ट्रिक्ट पुराना डिस्ट्रिक्ट जो एक ही था वहाँ पर बड़ी ऑपरेशन है क्योंकि जो डिप्टी कमिश्नर आता वो लखनऊ का नवाब का बेटा होता है IAS अफसर जो SSP आता था SP वो होता था नवाब है ना तेलंगा आंध्रा का या किसी का मुस्लिम ही थे वो उनको लगाते थे और वो नवाबी तरीके से वहाँ रूल करते थे। मैंने डिसाइड किया आफ्टर रिलीज इन 15 डेज पहला एजुटेशन में डोडा डिस्ट्रिक्ट पुराने डोडा जिसमें आज 3 डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये रामबन भी है कश्तवाड़ भी है डोडा ये एक था। आई डिसाइडेड टू मार्च मेरी उस दोस्त 68 की हड़ताल में जो सबसे बड़े हीरो निकले थे वो शफी रंगरेज था टीचर ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डोडा शौकत नजार ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफ कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से और मुरली भंडारी ही वॉज जनरल सेक्रेटरी और भगत सिंह और उसके साथ गात के ये मेरे पहले लीडर थे। इन्होंने 2-2, 3-3 महीने जेल 68 में काटे थे सस्पेंड हुए थे। मैंने इनको कहा कि तैयारी करो मैं आ रहा हूँ फर्स्ट टाइम आफ्टर रिलीज अगर मुझे रिसेप्शन दिया है। मैं 2 साल जेल में रहा तो 68 सावन में स्ट्राइक की तो स्ट्राइक के बाद जब मैं पहला निकला तो डोडा वॉज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसने वर्किंग कमेटी सेंट्रल कमेटी में कहा कि पहले हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट पर संपत प्रकाश टूर करे और पब्लिक रैलियों को एड्रेस करे और हमें रास्ता बताए कि उधमपुर एडवांस है कठुआ भी एडवांस है जम्मू भी पुंछ भी पाए ये कश्मीर भी है मगर ये डोडा को हमेशा इग्नोर किया गया सड़क के मामले में अतैली में नोकली में दांदलियों में। तो मैंने डिसाइड किया सो इन अप्रैल आई डिसाइड जब मैं डोडा पहुँचा 70 आज कितने साल हो गए
30 और 20 50 52 साल हो गए, 52 इसकी उम्र ही नहीं होगी 52 साल। 52 ईयर्स पहले जब मैं डोडा पहुंचा था, पुल डोडा में सारे मुलाजिम दफ्तरों के, स्कूलों के मास्टर, प्राइमरी स्कूल मास्टरानिया, हेल्थ, डीसी ऑफिस, सब 2 दिन की हड़ताल लगाई थी कि संपत साहब को रिसीव कर लो। हज़ारों मुझे वो डोल तरीका है ना, वो बैकवर्ड में डोल बजाते थे, वो बीन और बंगोले, मुझे सारे उस पहाड़ी पर डीसी ऑफिस तक जो 2 किलोमीटर चढ़ाई है, मुझे जुलूस में निकाला, फूल बरसाए और पहला जलसा मैंने वहाँ किया। फिर 2 दिन हड़ताल लगाई डीसी के खिलाफ कि इसको रिमूव नहीं करेंगे तो हड़ताल नहीं टूटेगी। सारे स्कूल बंद हो गए, हाई स्कूल, ये बदलवा का कॉलेज, नॉन गैस्टर, सारे क्लर्क, चपरासी, सड़कों पर मैं रोज एड्रेस करता था। उस वक्त भी इसका फादर MLA नहीं था मगर एक पॉलिटिकल लीडर था। मैंने भी 2 शब्द उसके बारे में कहे उस वक्त, मैं उनको दोहरा नहीं चाहता, और वो हैज नॉट अलाइव सो वो अच्छा नहीं लगता। मगर मैं गुलाम कादिर वानी उसका भाई है, उसको इज्जत से हमेशा वो मेरी इज्जत करता, मैं भी करता, दोस्ती तैयारी रही है। तो मैंने उस वक्त 3 दिन के बाद ये फैसला करवाया उस वक्त साजिद साहब की, डीसी वो नवाब का बेटा जिसने कई मुलाजिमों को सस्पेंड किया था, ट्रांसफरिंग करता था दूर, उसको रिमूव कर दिया बैक टू सेंटर, और SSP को भी रिमूव किया। मैंने पहली जंग 52 साल पहले डोडा की सरजमीन से, जेल से निकल कर लड़ी, और वो ताकत मुझे आज भी जुनून है। तो डोडा बेदार हुआ, कश्तवाड़ भी हुआ, बंदगू भी हुआ, बलेसा, और ये नाज है मेरे गुंदू बलेसा का प्रेसिडेंट रहा, ये सारे में बशीर जी चलो मेरा प्रेसिडेंट रहा, जो मिनिस्टर रहा है, अरे ये तो मुझे आज भी सजदा करते कहता बेदाग लीडर हमको था ये, ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद शफी उडी मेरा बारामूला डिस्ट्रिक्ट का 6 साल प्रेसिडेंट था, राहतर साहब फाइनेंस मिनिस्टर मेरे बड़गाम के प्रेसिडेंट थे, ये नाज थे, वो गुरेज का MLA, वो ये आधे MLA तो मेरे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहे हैं मुलाजमत में, मैं मेरे लिए तो सब उबलेंगे, दे विल रिएक्ट वेरी शार्पली, मगर मैं उनको इजाज़त नहीं दूंगा उबलने के लिए, क्योंकि उबलना किसके लिए, ये तो सड़ी हुई मूली है ये जो BJP ने रखी है, ये लासवानी का बेटा, ये सड़ी हुई मूली है, तो इस पर हमें थोड़ा रिएक्ट करना चाहिए, छोड़ो इसकी बात।